हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 24 मार्च और 24 मार्च से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये अभी हाल ही में मनाया गया है 23 मार्च को। और ये 23 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए, 23 मार्च 1950 को ही विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए 23 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। और ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1961 में। जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, स्थापना तो हुई थी 1950 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। और इस बार जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसकी थीम, और इस बार की थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि जल और जलवायु परिवर्तन, ये है इस बार की थीम। और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस तो मनाया ही जाता है, साथ ही शहीद दिवस ये भी मनाया जाता है 23 मार्च को, क्योंकि 23 मार्च 1931 को ही लाहौर की जेल में ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को ही फांसी दी थी, इसलिए 23 मार्च को हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। इसके अलावा अन्य इम्पॉर्टेंट डे है जिन्हें हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसे कि 30 जनवरी, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या की थी। 17 नवंबर तो इस दिन लाला लाजपत राय जी की पुण्यतिथि है, जिसे हम मनाते हैं शहीद दिवस के रूप में। 19 नवंबर तो ये रानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि है, जिसे हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 अक्टूबर तो पुलिस विभाग के द्वारा पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को, तो यह आप याद रखेंगे। अब हम मार्च माह के सभी इम्पोर्टेंट डे को डिस्कस नहीं करेंगे, केवल ऑप्शन को देखेंगे। तो देखिए, 18 मार्च को क्या मनाया गया है? ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। और मैंने आप लोगों के कमेंट रीड किए थे, आप लोग कहते हैं कि मैं किसी भी डे को हिंदी में नहीं बताती हूँ, तो आज मैं आप लोगों को बायलैंग्वल बताने वाली हूँ। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे यानी कि वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस, ये मनाया गया है 18 मार्च को, जिसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज़। 20 मार्च को मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी कि विश्व प्रसन्नता दिवस, जिसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। इसके बाद 21 मार्च को मनाया गया है विश्व वन दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो डे और थीम दोनों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP कितने अनुमानित की है? तो देखिए, फिच जो कि एक रेटिंग एजेंसी है, इसने भारत की GDP पहले अनुमानित की थी 5.6%, लेकिन जो कोरोना वायरस है, इसका प्रकोप भारत ही नहीं पूरे विश्व में है, जिसके कारण इसने अपने अनुमानित आंकड़े को घटाया है और अब इसके अनुसार भारत की GDP रहेगी 5.1%। बात की जाए यदि फिच रेटिंग एजेंसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। अब देखिए, यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था जो रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, इसने भारत की GDP अनुमानित की है 5.3%। अकॉर्डिंग टू IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया की GDP रहेगी 4.8%। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और अकॉर्डिंग टू RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों के अनुसार भारत की GDP रहेगी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी का 83 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया है? तो देखिए, भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर, इनका नाम है प्रदीप कुमार बनर्जी, कई जगह आप लोगों को PK बनर्जी भी लिखा मिल सकता है। ये भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे, जिनका भी हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। और इनका नाम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 1961 में इन्हें अर्जुन अवार्ड और 1919 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। और ये रिलेटेड थे
फुटबॉल से ये प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो रोजर मेवेदर ये कौन थे, तो एक वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर थे, इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ है। केनी रोजर्स तो एक अमेरिकी सिंगर थे, और इनका नाम इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्हें अपने करियर के दौरान 3 ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था इम्तियाज़ खान के बारे में, जो कि प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्टर थे, इनका भी कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से आयुष्मान भारत के तहत किस योजना की शुरुआत की है, तो इस योजना का नाम है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और यह एक तरह का स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है जो कि स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ पर कड़ी निगरानी रखेगा, और इसका उद्देश्य स्कूल के बच्चों को शारीरिक और मानसिक यानी कि फिजिकली और मेंटली स्वस्थ रखना है, यही है इसका मुख्य उद्देश्य। अब यहाँ पर एक और टर्म लिखा है आयुष्मान भारत, तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि आयुष्मान भारत योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2018 को, और आयुष्मान भारत योजना ये भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, तो यह आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ से एक और टर्म इम्पॉर्टेंट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है यानी कि HRD मिनिस्टर, तो ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये परीक्षण किया गया है अमेरिका के द्वारा, और वहाँ का जो रक्षा मंत्रालय है पेंटागन, इसके मुताबिक इस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से कम 5 गुना यानी कि 5 times ज़्यादा होगी, और इस लिहाज से यदि देखा जाए तो इस मिसाइल की गति 6200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होगी, और इसी का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है अमेरिका ने। अमेरिका की बात की जा रही है तो देखिए बेसिकली यदि देखा जाए तो अमेरिका के साथ भारत की 3 exercise होती है, वज्र प्रहार, युद्धाभ्यास और कोप इंडिया। जो वज्र प्रहार रही एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, इसका आयोजन किया गया था सिएटल USA में। युद्धाभ्यास ये भी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि आयोजित की गई थी Washington DC में। जो कोप इंडिया एक्सरसाइज है ये आयोजित की गई थी पश्चिम बंगाल के पनागर में अर्जन सिंह एयरफोर्स स्टेशन पे। और जो कोप इंडिया एक्सरसाइज है ये भारत और अमेरिका के बीच की एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो आप सभी जानते हैं ये न्यूज़ चर्चे में रही है, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ जी, जो कि कांग्रेस दल के नेता थे, इन्होंने 20 मार्च 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा दिया किसे है, मध्य प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल है इनका नाम क्या है, लालजी दास टंडन, इन्हें ही अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कमलनाथ जी है। 11 दिसंबर 2018 को इनकी सत्ता मध्य प्रदेश में आई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जो किया है इसके कारण इनकी सरकार गिर गई, और इसी के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बात की जाए यदि मध्य प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी क्या है, भोपाल। भोपाल में ही भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला गार्बेज कैफ़े ये है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में, तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। मध्य प्रदेश से लोकसभा सीटें कितनी आती हैं, 29, राज्यसभा सीटों की संख्या 11, जबकि विधानसभा सीटें आती हैं कुल 230। मध्य प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क स्थित हैं जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बन सकते हैं, पेच नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क और कुनो नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस पर्वतारोही ने 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है, इनका नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह उपलब्धि हासिल करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, और इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांत, तो इनका नाम आप याद रख लीजिए, और इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है।
सत्य रूप सिद्धांत, यह इनका नाम। और ये जो सात महाद्वीप हैं, सात महाद्वीप में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई किए हैं, तो इनका नाम आप याद रख लीजिए। इसे मैं पीडीएफ में भी आप लोगों को मॉडिफाई कर दूंगी। माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रुस, माउंट पिकोडी, माउंट गिलुवे, माउंट सिडली, माउंट ओजोस और माउंट दमावंद। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप लोगों को पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी दवाओं को मंजूरी दी गई है? तो अभी हाल ही में दो दवाओं को मंजूरी प्रदान की गई है यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो इन दवाइयों का नाम इम्पॉर्टेंट है। पहली है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, दूसरी दवाई का नाम है एजिथ्रोमाइसिन, जिन्हें भी हाल ही में मंजूरी दी गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और ये दवाइयाँ यदि सक्सेस हो जाती हैं तो आज विश्व जिस बीमारी से लड़ रहा है इस क्षेत्र में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो यही इन दो दवाइयों के नाम आप याद रख सकते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन और इजेथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नाम से देश भर के लोगों को 22 मार्च 2020 को अपने अपने घरों में रहने का आह्वान किया था? तो देखिए, ये तो आप लोगों को ज़रूर मालूम होगा, अभी कुछ समय पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। कई लोगों ने मजाक भी उड़ाया है, तो देखिए इसमें मजाक वाली कोई बात है ही नहीं और लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। धारा 144 लगाई गई, लॉकडाउन किया गया, इसके बाद भी लोग अपने घर से बराबर निकल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि समस्या जब तक खुद पर नहीं आती उसकी गहराई मालूम नहीं चलती है। इसलिए कोरोना वायरस जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, इसके प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब सरकार बार बार कह रही है कि आप अपने घर में रहिए घर में रहिए, तो आपने घर में ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। तो हम सभी को इससे सतर्कता बरतनी है, तभी हम सब मिलकर इस वैश्विक महामारी से जंग जीत पाएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत ऑलरेडी स्टेज टू में है और स्टेज थ्री के काफ़ी करीब है। इसलिए मिलकर हमें सामना करना है, और जैसा सरकार कर रही है, कह रही है, हमारे भले के लिए कह रही है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ घर में रहना है, तो इसे आप सभी को फॉलो करना है। तो देखिए, हर जगह कोरोना 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 ही है। करंट अफेयर के यदि आप लोगों को 10 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, 10 में से 5 या 4 कोरोना से ही रिलेटेड होते हैं। वैश्विक महामारी है, इससे बच के चलना है। और इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि कोरोना के चलते कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य ये बन गया है पंजाब। बात की जाए यदि पंजाब की, तो राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और जो चंडीगढ़ है ये कैरोसिन मुक्त भारत का पहला शहर है, जबकि पहला जिला है गुजरात का गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर। और हम भारत के पहले राज्य की बात कर ही रहे हैं, तो देखिए जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये है सिक्किम। NRC और GST ये लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है असम। और जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य मेघालय है। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य में CAA के विरोध में जो प्रदर्शन हुए थे, इसके दौरान जो भी नुकसान हुआ इसकी भरपाई करने के लिए किस राज्य ने अध्यादेश पारित किया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डिटेलिंग के साथ लिखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।